मैं जब भी सोचता हूं कि जैसे कि करप्शन की बात आती थी, आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन? I ask the question to honorable Prime Minister, are you really against corruption? The way you have formed the government in Maharashtra, are you really against corruption? The charges have been made. The charges are. किसने आरोप लगाए सर? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल की सभा में आरोप लगाए एक हमारे आज हमारे वित्त मंत्री है महाराष्ट्र में, उनके ऊपर आरोप लगाए, कहा कि 75,000 करोड़ का घोटाला हुआ आरोप लगाया। 8 दिन के अंदर वही शख्स इनके पार्टी में गया, ले लिए पार्टी, उसको पार्टी के साथ में विधायक भी गए और उनको बाद में राज्य का वित्त मंत्री बनाया। आर यू रियली अगेंस्ट करप्शन सर? इसके बावजूद और भी बात बता देता हूं कि जब और भी एक बात हुई, हमारे शिवसेना से गुट टूट कर गया, फुट कर गया, भाग गया, भगोड़े थे गए, और उनको जाकर इलेक्शन कमीशन, मैंने परसों भी वही बात कही थी, इलेक्शन कमिश्नर गुलाम है। किसका गुलाम है? सत्ता पक्ष का गुलाम है। बुरा लगता है कहने में सर, वन हैज टू बी, ये सारी संस्थाएं, वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सारी संस्थाएं गुलाम पकड़े पर रखी है। तभी तो इन्होंने जब हम 146 सांसदों को सस्पेंड किया, उसमें कानून पास कर दिया। क्या कानून पास कर दिया? इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के लिए एक समिति बनती थी, उस समिति में आदरणीय प्रधानमंत्री रहते, उस समिति और कौन रहेगा, उस समिति में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सरन्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज देयर इन द कमिटी। इन्होंने लॉ पास किया नया, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही निकाल दिया। और क्या किया, प्रधानमंत्री विल बी देयर and another minister will be there, who is that, he will be nominated by the prime minister, wo bhi usko designate hai kya kaun sa mantri rahega, usko nominate kar dega pradhan mantri, nominate jisko niyukt karenge wo mantri rahega, aur ek vipaksh ka 2:1, to kya hoga, kaun aayega, who will be the election commissioner, is it judicious, we are fighting in the supreme court, aur aaj bhi hame nyay nahi mil raha hai, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मुझे लगता है कि भगोड़े जो है, आज कोई बैठा नहीं यहाँ पर, ये भी भाग गए यहाँ से, ये जो भगोड़े हैं ये हिंदुत्व से दूर भागे, बाला साहब के विचारों से दूर भागे, लोग जो है रोज इनकी पार्टी छोड़ के जो है भाग रहे हैं रोज। और आज चुनाव जब भी हुआ लोकसभा का, तो असली शिवसेना और नकली शिवसेना जो है लोगों ने इनको दिखा दी कि कौन जो है असली शिवसेना के साथ, बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के साथ खड़ा हुआ है। आज इनके सामने हम लोग जो है 13 सीट लड़े, इनके सामने सामने 13 में से 7 सीट हम लोग लड़े, और 2 लाख ज़्यादा वोट जो है हमें जो बाला साहब की शिवसेना है उनको मिली। लोग जो है शिवसेना के साथ, हिंदुत्व के साथ जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनको तो जो बाला साहब हमेशा कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू है, आज इनके नेता को जो है हिंदू शब्द इनके भाषण में जो है यूज करने शर्म आती है, हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द इनको इस्तेमाल करने में शर्म आती है। और यहाँ पर विपक्ष के नेता, खत्म कर रहा हूँ सर, विपक्ष के नेता यहाँ पर हिंदुओं को जो है यहाँ पर कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के भूमि से आता हूँ, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है हिंदवी स्वराज के लिए जो है, हिंदुत्व के रक्षण के लिए जो है, देव देश आणि धर्मासाठी शिवाजी महाराजांनी जे आहे हे तलवार हातात घेतली। जर हिंदवी रयतेचंच राज्य, आय एम नॉट इल्डिंग सर, रयतेचं राज्य यावं म्हणून हातात जर तलवार नसती घेतली, तर आज अटक पासून ते कटक पर्यंत हिंदवी स्वराज्य जे आहे हे तेव्हा स्थापन झालं नसतं। तर तेवढा अभिमान बाळगा, संभाजी महाराजांचा रोल तुम्ही करता, त्यांचे जरा गुण जे आहे गुण तुम्ही ते घ्या जराशे संभाजी महाराजांचे।